बीकानेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवानों ने गर्मी की प्रचंडता दिखाने के लिए एक अनूठा प्रयोग किया। इसका उन्होंने एक वीडियो भी बनाया। वीडियो में दो जवान हाथ में कच्चे पापड़ लिए नजर आते हैं। जवानों ने इन पापड़ को रेत में दबाया और 10 मिनट बाद मिट्टी हटाकर देखी तो पापड़ सिके हुए थे। जवानों ने एक पापड़ को तोड़कर भी दिखाया। इस वीडियो में एक जवान बोलता है कि वो आम जनता को बताना चाहते हैं कि सीमा पर सैनिक किन विषम परिस्थितियों से जूझते हुए देश सेवा के लिए जुटे रहते हैं। जवानों के लिए भी इस गर्मी में संसाधन जुटाने की अपील की गई है ताकि उन्हें भी गर्मी से बचाया जा सके। बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि यहाँ हर बार इतनी गर्मी पड़ती है, हमारे जवानों के हौसले गर्मी से भी ज्यादा सख्त हैं। पश्चिमी राजस्थान के सभी जिले गर्मी और लू की चपेट में आ गए हैं। बीकानेर में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। कई किलोमीटर में फैले रेगिस्तान में शहरों की तुलना में ज्यादा गर्मी पड़ रही है। यहाँ तापमान रिकॉर्ड करने का कोई साधन नहीं है, लेकिन कई लोगों का अनुमान है कि यहाँ तापमान 50 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। बीएसएफ ने जवानों को गर्मी से बचाने के लिए मचान पर कूलर लगा दिए हैं। इससे 6 घंटे की सख्त ड्यूटी करने वाले जवान को कुछ देर के लिए आराम मिलता है। ये कूलर हर मचान के पास लगाया गया है, जहाँ पानी डालने की व्यवस्था भी की गई है। जवानों को इससे काफी हद तक राहत मिली है। इन कूलर्स को चलाने के लिए सोलर सिस्टम भी लगाया गया है।